आज के इस वीडियो में हम नेचुरल लाइट पोर्ट्रेट की एडिटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे काफ़ी अच्छी एडिट हुई है। तो चलिए मैं पोर्ट्रेट एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम आएंगे कलर पे। सो कलर पे आने के बाद हम इसके वाइट बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर से इस वाइट बैलेंस में इसके टेम्परेचर को हम एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। मैंने इसके टेम्परेचर को कर दिया है +17 और इसके जो टिंट है उसमें मैं ऐड करूँगा थोड़े मैजेंटा कलर्स कुछ इस तरीके से। इसके साथ ही मैं इसके वाइब्रेंस को बढ़ा लूँगा कुछ इस तरीके से और इसके सेचुरेशन को हम कम करेंगे -24 के आसपास। नेक्स्ट स्टेप है लाइट्स पे। सो लाइट्स पे आने के बाद मैं इसके एक्सपोजर्स को कुछ इस तरीके से अप करूँगा। इसके साथ ही इसके कॉन्ट्रास्ट को हम यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से माइनस करेंगे -59। हाईलाइट्स को मैं यहाँ पर कर दूँगा -100। शेडोज़ को मैं यहाँ पर थोड़ा बढ़ाऊँगा +14। वाइट्स को हमें यहाँ पे करना है कुछ इस तरीके से कम। इसके साथ ही ब्लैक्स को हम यहाँ पे थोड़ा कम करेंगे कुछ इस तरीके से -24। नेक्स्ट हम चलते हैं मिक्स पे। सो मिक्स पे आने के बाद हमें रेड्स के ह्यू को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। इसके सेचुरेशन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाऊँगा +9 के आसपास। ल्यूमिनेंस को मैं यहाँ पे +3 करूँगा +14। नेक्स्ट हम आते हैं ऑरेंज पे। सो सेम सभी कलर्स के ह्यू सेचुरेशन और ल्यूमिनेंस को हमें पिक्चर के मुताबिक एडजस्ट करना है। क्या आपको एडिट करना है उसके हिसाब से आपको इन सारे स्लाइडर्स को एडजस्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पर मैं इसके सेचुरेशन को थोड़ा कम करूँगा, ल्यूमिनेंस को बढ़ाऊँगा और इसके ह्यू को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट आते हैं येलोज़ पे। सो येलोज़ पे आने के बाद मैं इसके ह्यू को कुछ इस तरीके से रखा है, सेचुरेशन बढ़ाया है और ल्यूमिनेंस को यहाँ पर थोड़ा सा अप किया है। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रीन्स पे। सो ग्रीन्स के सेचुरेशन को मैंने यहाँ पे -100 किया और ह्यू को भी -100। एक्वा पे आते हैं, यहाँ पर इसे -100 इसके सेचुरेशन को। ब्लूज़ के जो ह्यू है उसे हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से माइनस करेंगे और सेचुरेशन को भी हल्का सा यहाँ पे माइनस करेंगे। इसके साथ ही पर्पल और जो मैजेंटा कलर है इसके सेचुरेशन को हमें कर देना है -100। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रेडियंट मैप पे। सो ग्रेडियंट मैप पे आने के बाद हमें इस फोटो के शेडोज़ पे रखना है कुछ इस तरीके के ब्लू कलर। इसके सेचुरेशन को हमें रखना है लगभग +15 के आसपास, 15 से 14। यहाँ पर मैं इसके ल्यूमिनेंस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करूँगा -10। नेक्स्ट हम आते हैं मिड टोन्स पे। सो मिड टोन्स पे हम रखेंगे कुछ इस तरीके के टोन्स। इसके सेचुरेशन को हमें रखना है लगभग +90 से 20 के आसपास। यहाँ पर मैं इसके ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा +4। नेक्स्ट आते हैं हाइलाइट्स पे। सो हाइलाइट्स पे हम रखेंगे कुछ इस तरीके के टोन्स। इसके सेचुरेशन को हमें रखना है लगभग +18 के आसपास। इसके साथ ही इसके ल्यूमिनेंस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। नेक्स्ट हम आते हैं ग्लोबल पे। सो ग्लोबल पे हमें रखना है कुछ इस तरीके के टोन्स और इसके सेचुरेशन को रखना है लगभग +7 के आसपास। इसके साथ ही हम इसके ल्यूमिनेंस को भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाएंगे। डन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट्स पे। सो इफेक्ट्स पे आने के बाद मैं इसके टेक्सचर को कुछ इस तरीके से बढ़ाऊंगा। इसके साथ ही साथ क्लैरिटी को हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से अप करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डीएस भी ऐड करेंगे +6 के आसपास। नेक्स्ट हम चलते हैं सिलेक्टिव टूल पे। सिलेक्टिव टूल पे आके हम यहाँ पर रेडियल फिल्टर का यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें इसे कर देना है इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद मैं इसके जो सब्जेक्ट के जो आउटर के जो एरियाज हैं उसे करूँगा अनएक्सपोज कुछ इस तरीके से। अनब्राइटेन करेंगे थोड़े से हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स, शेडोज, वाइट्स और ब्लैक्स को भी यहाँ पे डाउन करेंगे। तो टेम्परेचर और सेचुरेशन को भी कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टेक्स्चर पे। सो टेक्स्चर को हम कुछ इस तरीके से कम करेंगे जिससे क्या है जो पीछे का जो बैकग्राउंड एरिया है वो काफ़ी ब्लर हो जाए। इसके साथ ही क्लैरिटी थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं और हल्का सा डीएस को यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम नॉइस और शार्पनेस को भी बढ़ाएंगे, देन राइट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आते हैं फिर से सेलेक्टिव टूल पे और एक बार फिर से लेते हैं हम रेडियल फिल्टर। सो इस बार हमें अपने सब्जेक्ट को फोकस करना है, अपने सब्जेक्ट को थोड़ा ब्राइट करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड किया, हाईलाइट्स, शेडोज, वाइट्स, ब्लैक्स को यहाँ पर आप थोड़ा कम कर सकते हैं। इसके साथ ही टेम्परेचर को हमें फ्रेंड्स अप करना है, सेचुरेशन को भी अप करना है। हम यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को पॉप करना चाहते हैं तो इसलिए इसके सेचुरेशन और टेम्परेचर को हम
बढ़ाते हैं। इसके साथ ही इसके टेक्सचर को भी हमें थोड़ा बढ़ाना है, हल्का सा आप क्लैरिटी भी ऐड कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा नॉइश और शार्पनेस को भी कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। देन राइट पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर से हम आएंगे सेलेक्टिव टूल पे और इस बार लेंगे हम ग्रेडियंट मैप। सो यहाँ पर हम ग्रेडियंट मैप का यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसके एक्सपोजर्स को हम यहाँ पे थोड़ा कम करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, प्लस माइनस 59। थोड़े से वाइट्स कम करूँगा, ब्लैक्स ऐड करूँगा और शेडोज में भी थोड़ा सा ब्लैक्स ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से, शेडोज को भी माइनस करेंगे। देन यहाँ पर हम इसके टेक्सचर को थोड़ा कम कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं इस एरिया को। राइट पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। देन नेक्स्ट आते हैं हम इस फोटो को विग्नेटिंग करने के लिए। सो इस तरीके से हमें रेडियल फिल्टर के यूज़ से एक बड़ा सा सर्कल बनाना है, देखने की कॉर्नर्स जो है और कुछ इस तरीके से इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद हम इसके एक्सपोजर्स को यहाँ पर से हल्का हल्का डाउन कर देंगे, ज़्यादा नहीं करना है, माइनस 24 काफ़ी है। देन राइट पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स कर्व टूल पे। सो कर्व टूल पे आने के बाद हम यहाँ पर आरजीबी चैनल पे आते हैं। सो कुछ इस तरीके से इसके शेडोज, मिड टोन्स और यहाँ पर हाइलाइट्स को हम एडजस्ट करेंगे और इसके ब्लैक्स में थोड़े से फेड लुक लाएंगे कुछ इस तरीके से अप करके। आप चाहें तो यहाँ पर शेडोज को और भी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम मिड टोन्स को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं ब्लू चैनल पे। हल्का सा मैं यहाँ पर अप करूँगा ब्लूज को और हल्का सा मैं यहाँ पर डाउन करूँगा वाइट्स पे और ऐड करूँगा येलो कलर। देन यहाँ पर हम डन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड्स डिटेल्स पे। सो डिटेल्स पे आने के बाद हमें इस फोटो की नॉइस जो है उसे दूर करना है। यहाँ पर डिटेल्स थोड़ा सा हम कलर नॉइस रिडक्शन का भी यूज़ करेंगे डिटेल्स और स्मूथनेस को कुछ इस तरीके से बढ़ाने के बाद यहाँ पर हम इस फोटो को शार्प करेंगे कुछ इस तरीके से। मास्किंग का यूज़ करेंगे इस फोटो को शार्प करने के लिए। जब भी आप किसी फोटो को शार्प करते हैं तो ज़रूर मास्किंग का यूज़ कीजिए, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है आपके फ़ोटो की एडिटिंग में। सो कुछ इस तरीके से एडिट शार्प करने के बाद इस फोटो की एडिटिंग होती है डन। यहाँ पर आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इस फोटो को एडिट किया है। यह बिफोर, यह आफ्टर। ऐसा ही मैंने पोर्ट्रेट एडिटिंग के काफ़ी सारे वीडियोस इस चैनल पे बना रखे हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो प्लीज़ उसे जाइए और देखिए उन वीडियोस को भी, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ बताई है। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको पोर्ट्रेट एडिटिंग के ऐसे ही वीडियोज़ सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए फिर से लाऊंगा ऐसी और भी पोर्ट्रेट एडिटिंग के वीडियोस इसी चैनल पे। तब तक आप बाकी के वीडियोस से कुछ सीखें।